ऐसी भी क्या अमीरी की मैकबुक एयर M2 लेना पड़ा मैकबुक एयर M1 होते हुए, पूरी कहानी सुनो। Okay. और देखो हमारा जो MacBook Air M1 था वो बहुत अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी मुझे अभी तक, 2 साल से मैं यूज कर रहा था और मस्त परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ भी एक नंबर थी। बैटरी हेल्थ की बात करें तो 87 उसकी बैटरी हेल्थ थी। अब मैं थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लैपटॉप था, अब है नहीं। अब हुआ क्या यार, बिजली चली गई घर की, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली बिजली की बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद अंधेरा कायम रहे हो गया चारों तरफ और गलती से हम चढ़ गए मैकबुक के ऊपर। और मैकबुक के ऊपर चढ़ने के बावजूद भी हमारा वजन तो इतना ज्यादा है नहीं कि टूट टाट जाए, बट डिस्प्ले डैमेज हो गया यार। डिस्प्ले डैमेज होने की वजह से पिक्सल्स वगैरह जो भी डैमेज आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसकी वजह से ऑब्वियसली डिस्प्ले किसी काम की नहीं रही, डिस्प्ले हमें रिपेयर कराना पड़ेगा। मैं कहा बहुत ज्यादा ज्यादा 15-20 हज़ार हो गया डिस्प्ले का कॉस्ट। अब जब मैं गया एप्पल के सर्विस सेंटर तो उन्होंने बताया भैया 49,000। रहने दो यार, इसमें तो एक विंडोज लैपटॉप अपना अच्छा खासा आ जाएगा। एंड मतलब सर्विस सेंटर के बाहर मैंने ट्राई किया तो उन्होंने भी बोला 40-43,000 लग ही जाएगा इसकी डिस्प्ले लगाने में। और लोकल डिस्प्ले के बारे में तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं कि लोकल डिस्प्ले आती भी है, और लोकल डिस्प्ले में लगवाना भी नहीं चाहता था क्योंकि इसकी डिस्प्ले तो क्वालिटी है, हमारा काम डिस्प्ले से ही तो रिलेटेड रहता है। कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, गए हम लोग इमेजिन स्टोर में, वहां पे उनसे पूछा कि ये टूटे हुए मैकबुक कितने में लोगे। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। उन्होंने कहा 14,000 में। तो मेरे आईडी पे फाइनेंस हो गया ये मैकबुक एयर M2, और जिसका प्राइस मुझे स्टूडेंट डिस्काउंट मैकबुक पुराना वाला टूटा हुआ एक्सचेंज करके 90,000 के आसपास में पड़ा। रिजल्ट आपके सामने है भैया, देख सकते हो ये हमारा मैकबुक एयर M2, इसकी अनबॉक्सिंग और सारी चीजें करने वाले हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यार इस तरह से रहता है हमारा मैकबुक एयर M2 चिपसेट वाला, और यहाँ पे देख सकते हो ये भी कागज का दिया हुआ है, ये भी प्लास्टिक नहीं है। तो इसको ऐसे आप उठा लोगे और बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या है। तो बॉक्स कंटेंट में सबसे पहले हमारे को तो यहाँ पे केबल मिल जाती है। केबल भाई देख सकते हो इस बार इन्होंने मैकबुक के ही कलर की केबल दी है, ये मैकसेफ हमारा है। तो मैकबुक का कलर हमारा है मिड नाइट या डीप ब्लू कह लो, Type-C2 मैकसेफ रहेगा। और इतना ही नहीं भैया, ये वाली ब्रेडेड केबल दी है और इस बार ब्रेडेड केबल दे के इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है भाई। तो ये है मेरे पुराने वाले मैकबुक की जो कि व्हाइट कलर में थी और ब्रेडेड भी नहीं थी, इसकी हालत देख सकते हो भैया 2 साल में क्या हो गई। मैं मैकसेफ ट्राई करना चाहता हूं जल्दी से। मैकसेफ की यहां पे एक क्वालिटी आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूंगा, मैकसेफ को अगर आप सीधा डिस्कनेक्ट करोगे ना तो ये निकलेगा ही नहीं भैया, कितना भी जान लगा लो लैपटॉप खिंच जाएगा लेकिन केबल नहीं निकलेगी। बट जैसे आप हल्का सा ऊपर की तरफ करोगे ना एकदम इजीली निकल जाएगा, ऊपर या नीचे की तरफ जैसे भी। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा इसलिए शेयर कर रहा हूं। एंड उसके अलावा हमारे को यहाँ पे देख सकते हो कुछ पेपर वर्क मिल जाते हैं, वो निकाल के देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पे अगेन डीप ब्लू कलर में एप्पल का लोगो मिल जाता है, दो ये स्टिकर आप अपने फ्रिज पे, अलमारी पे या टेबल पे कहीं भी चिपका सकते हो, लेकिन गाड़ी पे मत चिपकाना यार। मैं देखता हूँ लोग गाड़ी पे चिपका के क्यों घूमते, समझ में नहीं आता। एप्पल की कार हो गई, वाह क्या बात। एंड उसके अलावा यहाँ पे एक वेलकम टू मैकबुक एयर करके गाइड मिल जाती है, इसको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड और छोटे मोटे और पेपर मिल जाते हैं अदर लैंग्वेज में, जिसकी जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं, इसको रखते हैं साइड में। एंड एट द एंड यहाँ पे हमारे को मिल जाता है हमारा चार्जिंग एडाप्टर, और ये चार्जिंग एडाप्टर देख सकते हो सिंगल टाइप सी वाला चार्जिंग एडाप्टर है, लेकिन जो 512 GB वाला वेरियंट रहेगा ना उसमें आपको 2 Type-C का पोर्ट मिलेगा और उसका वॉटेज 35 का रहेगा, इसका वॉटेज 30 W का है। तो ये 30 W का टाइप सी एडाप्टर है जिसमें सिंगल USB पोर्ट मिलता है, और ये ओपन भी इस तरीके से हो जाता है, आप लोग को अगर पता नहीं है तो इस तरीके से ये ओपन हो जाता है, और यहाँ पे एक्सटेंडर लगा के इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो चाहो तो। अगर आप लोगों को नहीं पता था तो यू कैन से थैंक्स टू मी। चलो। बट ये वाला मैकबुक ना फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो इसीलिए मैं इसको इस चार्जर से चार्ज करने वाला हूँ जो कि एप्पल का ही 67 W का चार्जर है। ये मैकबुक प्रो का चार्जर है, इससे फास्ट चार्ज करोगे आप तो 30 मिनट्स में ये 50% चार्ज हो जाता है, इससे अगर आप चार्ज करोगे तो 1 घंटे में 50% चार्ज होगा। तो समझ ही सकते हो भाई कितना का डिफरेंस है दोनों में, तो मैं तो इसी से चार्ज करने वाला हूँ। बाकी बस कुछ इतने सारे बॉक्स कॉन्टेंट रहते हैं, इसको रखते हैं साइड में, अपने मैकबुक पे आ जाते हैं। ओहो भाई इसको तो देख के ही एकदम अलग ही फील आ रहा है। चलो जी कर लेते हैं ओपन।
खैर मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर लिया था स्टोर में ही, बिकॉज वहाँ पे चेकिंग और सेटअप वगैरह करना पड़ता है, तो देख सकते हो। तो भाई इस तरीके से रहता है हमारा मैकबुक, डीप ब्लू कलर या मिडनाइट कलर वाला कह सकते हो, और दिखने में बहुत प्यारा लग रहा है भाई ये कलर, इसलिए मैंने ये कलर चूज किया। लेकिन ये कलर लेने से पहले मैं आपको कुछ वार्निंग दे दूं कि ये कलर गंदा बहुत होता है, इसमें थंबप्रिंट्स वगैरह बहुत जल्दी आते हैं और साफ भी जल्दी नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसे क्लीन करने के लिए, क्योंकि अभी भी देख सकते हो आप थोड़े थोड़े थंबप्रिंट दिख रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मैंने स्टोर में ओपन कर ही लिया था इसको, मुझे कलर अच्छा लगा इसलिए मैंने यही कलर लिया, हमने कहा जो होगा देखा जाएगा। और एक और चीज है, मैंने स्टोर वाले यूनिट में देखा था इसके पोर्ट्स एंड ऑल के पास भी यहाँ पे थोड़े थोड़े कलर छूट गए थे, जो कि बार बार पोर्ट्स डालने और निकालने की वजह से होता है। पोर्ट्स की बात करें तो पोर्ट देख ही लेते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक मैगसेफ का जो चार्जिंग के लिए पोर्ट मिलता है, जैसा कि मैंने बताया ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा आपका और नॉर्मल चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा जो 30 वाट का चार्जर दिया गया। उसके बाद आपको दो टाइप सी थंडरबोल्ट 3 वाले पोर्ट मिल जाते हैं, इसमें से आपका एक टाइप सी यूएसबी 4 वाला रहेगा और इससे आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैकबुक में एक सबसे बड़ी कमी है कि सिर्फ एक ही डिस्प्ले आउटपुट आप ले सकते हो एट अ टाइम, और टाइप सी से भी आप चार्ज कर सकते हो चाहो तो। एंड राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो आपको एक 3.5 mm जैक का हेडफोन माइक वाला कॉम्बो भी मिल जाता है। सामने की तरफ से देखा जाए तो सामने की तरफ से प्यारा सा कटआउट आपको दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा दिखता है। बैक साइड में देखा जाए तो बैक साइड में देखो आपको यहाँ पे रबर ग्रिप्स दी गई हैं, अच्छा खासा आपको ये पीछे की सरफेस से उठा देता है, पुराना वाला मैकबुक पूरा ही सरफेस पे पड़ जाता था। और ऑब्वियसली लैपटॉप दिखने में बहुत प्यारा और बहुत अच्छा लग रहा है यार। चलो कर लेते हैं इसको ओपन। और ऑब्वियसली ये लैपटॉप की सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगती है कि एक बार ऐसे हाथ से ओपन करो ये ओपन हो जाता है, और टच आईडी भी इसका एकदम सीमलेस है, हल्का सा ऐसे टच करो देखो ओपन हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो लैपटॉप खोलते ही मेरे को यहाँ पे नॉच पे नजर गई, जो कि दिखने में काफी अच्छा लग रहा है, और ऑलरेडी मैंने इसमें स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा रखा है तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जो आपको दिख रहा है वो स्क्रीन प्रोटेक्टर की वजह से दिख रहा है, और लैपटॉप का स्क्रीन डैमेज ना हो इस वजह से मैंने थोड़ा अच्छा और एंटी शॉक वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा रखा है, जो कि अराउंड मुझे 500 रुपए में पड़ा, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलो अभी इस लैपटॉप के स्पेक्स एंड ऑल पे नजर डाल लेते हैं। तो भाई ये रहा हमारा मैकबुक M2, और इससे पहले हमारे पास M1 था, जैसा कि आप लोगों को पता ही, उस पर हमने काफी सारे कंटेंट वगैरह बना रखे हैं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। हमने उसको विंडोज से भी कंपेयर किया, हमने उसको माइक्रोसॉफ्ट का एक लैपटॉप आता है जो सरफेस, उससे भी कंपेयर किया हुआ है, और कई अदर ऐसे कंटेंट बनाए हुए हैं, तो उन्हें चेकआउट आप कर लेना। चलो अभी फिलहाल बात कर लेंगे ये वाले लैपटॉप के स्पेक्स एंड ऑल के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेंगे ये लैपटॉप के प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर जैसे कि आप लोगों को पता है कि एप्पल का सिलिकॉन M2 वाला इसमें चिपसेट आपको मिलता है, और ये जो एप्पल का सिलिकॉन M2 वाला चिपसेट है ये एक कर्नल APU है, जिसमें इंटीग्रेटेड GPU भी आपका रहेगा, और इसमें आपका CPU जो रहेगा वो 8 कोर का CPU रहेगा, जिसमें 4 परफॉर्मेंस कोर्स रहेंगे, 4 एफिशिएंसी कोर्स रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे ना आपको 8 कोर का GPU मिलता है ये वाले पर्टिकुलर मॉडल में, जो कि 256 GB वाला वेरिएंट है। लेकिन अगर आप यही 512 GB वाला वेरिएंट लोगे ना, वहां पे आपको 10 कोर का GPU मिलेगा, और आपको बॉक्स में जो आपका एडाप्टर मिलेगा वो 35 वाट का मिलेगा, और इसमें हमारा 30 वाट का एडाप्टर है, और जो 35 वाट का एडाप्टर रहेगा ना उसमें 2 USB पोर्ट रहेंगे, और इसमें सिर्फ 1 USB पोर्ट है। तो इस बार इन्होंने स्टोरेज जहां पे बढ़ाया वहां पे 2-3 चीजें और दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा नहीं लगेगा सिर्फ आप स्टोरेज के लिए पैसा दे रहे हो। सो या बट मेरे को 256 GB इनफ है, 2 कोर का GPU बहुत ज्यादा फर्क नहीं लाएगा परफॉर्मेंस में मेरे हिसाब से, वो हम जान लेंगे अभी टेस्टिंग वगैरह करके। तो ये थे स्पेक्स इसके M2 वाले चिपसेट के बारे में। इसके Cinebench R23 का स्कोर आप अपनी स्क्रीन सामने देख ही सकते हो, जहां पे हमारा मल्टी कोर में आया है 8550 PTS और सिंगल कोर में आया है 1590 PTS। अब देखो ये स्कोर पे एकदम मत रिलाय करना है कि भैया i5 से तो कम है इसका स्कोर या i7 11 जैसे तो कम है, भाई स्कोर कुछ नहीं मैटर करता इस वाले मामले में मैंने देखा, इसलिए सिर्फ मैं एक ही Cinebench R23 का स्कोर आपको दिखाऊंगा, और परफॉर्मेंस इसकी अलग है, मतलब स्कोर यहाँ पे 8000 का आ रहा है लेकिन परफॉर्मेंस कहीं ज्यादा बेटर आपको मिलती है। और हाँ, हम डेडिकेटेड कंपैरिजन ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिए हैं M1 वर्सेस M2 का, तो इस वीडियो के बाद वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। और रैम की बात करें तो यहाँ पे आपको 8 GB की LPDDR5 वाली रैम मिलती है, और स्टोरेज जैसा हमने आपको बताया कि 256 GB की ये वाले मॉडल में SSD मिलती है। अब आपके ऊपर है, आप 2 TB तक भी इसे ले सकते हो। इसके अलावा हमारे यहाँ पे Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.3 का भी सपोर्ट मिलता है, इनके वेबसाइट पे मेंशन है Bluetooth 5.3 इसमें मिलता है। नाउ डिस्प्ले की बात करें, जो इसका मेन हाईलाइट है, अब यहाँ पे आपको 13.6 inches की डिस्प्ले मिलती है, और जो हमारा MacBook Air 15 inch वाला रहेगा उसमें आपको 15 inch की ऑब्वियसली डिस्प्ले मिलेगी। डिस्प्ले स्पेक्स 15 inch और 13 inch वाले में दोनों में सेम रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको 2K 60 FPS की डिस्प्ले मिलती है, और डिस्प्ले का रेजोल्यूशन कुछ इसका 2560x1664 का रेजोल्यूशन रहता है, और यहाँ पे आपको 100% sRGB भी मिलती है, 99% DCI-P3 मिलता है, और 86% का NTSC रहता है, और वही वाइट P3 कलर गैमेट वाला डिस्प्ले विथ ट्रू टोन टेक्नोलॉजी के साथ आता है, मतलब जो नेचुरल कलर है वही आपको इसमें दिखाए जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी कलर ग्रेडिंग एंड ऑल काफी एक्यूरेट हो जाती है, जो कि सबसे मेन क्वालिटी इस वाले लैपटॉप में मुझे लगी। और हाँ, यहाँ पे आपको 500 nits की ब्राइटनेस भी मिलती है, तो डिस्प्ले ओवरऑल मेरे को काफी अच्छा लगा, और
पुराने वाले लैपटॉप पर जब मैंने इसे यूज किया तो यस मुझे डिफरेंस समझ में आ गया। और बाकी इसका डिस्प्ले आउटपुट आप 4K 120 FPS तक ले सकते हो। मेरे पास 4K 60 FPS का मॉनिटर है तो मैंने 4K 60 FPS तक का आउटपुट ले लिया। यहाँ पे आपको दो थंडरबोल्ट जो पोर्ट मिलते हैं उनसे आप आउटपुट ले सकते हो। लेकिन यार मैकबुक में एक जो मुझे अच्छी चीज नहीं लगती कि आप सिर्फ एक डिस्प्ले का आउटपुट ले सकते हो, यहाँ पे आप मल्टीपल डिस्प्ले का आउटपुट नहीं ले सकते जैसे अदर लैपटॉप्स में हमारे रहता है। मैं बात कर लें अभी कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड यहाँ पे आपको सिंगल लाइट बैकलाइट वाला कीबोर्ड मिलता है। और कीबोर्ड में आपको चेंजेस जो किए गए हैं पिछले वाले मॉडल के कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे जो ब्राइटनेस स्केप और नाइट मोड वगैरह वाली की है इनको बड़ा कर दिया गया है, बट एरो कीज को नहीं बड़ा किया है। मेरे हिसाब से ना जो स्केप ब्राइटनेस ये वाली बटन से इनको छोटा ही रहने देते बल्कि एरो कीज को बड़ा कर देते, वो थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल फील होता है। और यहाँ पे टच आईडी मिलता है और टच आईडी का पूरा इन्होंने सेप ही चेंज कर दिया है, गोला मार के ऐसा कुछ सर्कल सा मार दिया है। और उसके अलावा यहाँ पे फंक्शन की बटन मिल जाती है, फंक्शन की बटन दबाओगे ना तो आप इमोजी वगैरह भी कहीं भी टाइप कर सकते हो। मोस्टली विंडोज लैपटॉप में ये चीज नहीं होती है, आपको इमोजी कहीं से कॉपी करना होगा, बट इसमें आप फंक्शन दबाओगे तो आपके कीबोर्ड में इमोजी आ जाएंगे, आप वो कहीं भी कॉपी कर सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज लगी इसके कीबोर्ड के बारे में। और नाउ बात करें ट्रैक पैड की, जो मैकबुक का सबसे मेन हाईलाइट है, इसे मैजिक पैड भी कहते हैं या ट्रैक पैड भी कहते हैं, तो ट्रैक पैड इसका है ना, इसमें आपको क्लिक फील होता है, लाइक एक फीडबैक दिया गया है, हल्का वाइब्रेशन फीडबैक दिया गया है। आप एक बार प्रेस करते हो तो आपको उंगली में तो वाइब्रेशन फील होता है और क्लिक की एक साउंड भी आती है। और एक बार दबाओगे तो एक क्लिक होगा और एक बार थोड़ा और हार्ड प्रेस करोगे तो एक और क्लिक होगा। तो एक 3D टच वाला जो कॉन्सेप्ट था ना हमारे आईफोन 7 8 में, यहाँ पे यही चीज यूज की गई है। टैप नहीं करना पड़ेगा, आपको हल्का सा प्रेस करना पड़ेगा, समझ गए आई होप। तो ये है इसका ट्रैक पैड और ट्रैक पैड के गेस्चर्स वगैरह बहुत अच्छे वर्क करते हैं। तो बैटरी यहाँ पे आपको 52.6 वाटर की बैटरी मिलती है और बैटरी यहाँ पे बहुत अच्छी चलती है। ऑब्वियसली सबको पता है मैकबुक की बैटरी बहुत अच्छी चलती है, कंपनी क्लेम करती है 18 आवर्स, बट 18 आवर्स से भी ज्यादा आप अच्छा खासा बैटरी बैकअप ले सकते हो। लेकिन जब हाई परफॉर्मेंस टास्क करते हो ना तो आपकी थोड़ी सी बैटरी जल्दी ड्रेन होती है। लाइक जैसे अभी मैं एडिटिंग वगैरह कर रहा हूं तो लैपटॉप 100 से 75 या 80 तक आ जाएगा एक वीडियो कंप्लीट करने में, लेकिन मैं इसमें 4-5 बार वीडियो एडिट कर सकता हूं, मतलब 100% चार्ज है ये। तो उसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कितनी बैटरी लाइफ आपको मिलती है हाई परफॉर्मेंस में। और इसे शट डाउन करने की जरूरत नहीं होती है, आप सिर्फ लैप डाउन कर दो, ओपन करो, फिंगरप्रिंट लगाओ, एक स्मार्टफोन की तरह इसे यूज करो। सो ये कमाल है हमारे मैक ओएस का, जो कि काफी अच्छा खासा ऑप्टिमाइज है क्योंकि एप्पल का हार्डवेयर रहेगा, एप्पल का सॉफ्टवेयर रहेगा, तो ऑब्वियसली आपको यहां पे परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। आप अपने हैवी बैटरी पे कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको चार्जर प्लग करने की जरूरत है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इवन मैंने जो Cinebench R23 का टेस्ट रन किया मैंने बैटरी पे ही रन किया, इवन जो मैंने एडिटिंग वगैरह की सारी चीजें मैंने बैटरी पे की। नाउ स्पीकर की बात कर ले तो मैकबुक के स्पीकर हमेशा से ही मुझे इंप्रेस करते आए हैं और ये वाले में तो इन्होंने क्वाड स्पीकर का सेटअप दे दिया है भाई। पिछले वाले में डुअल स्पीकर का सेटअप था, यहां पे वो क्वाड स्पीकर का सेटअप दे दिया गया है, वो भी हिडन रहता है। हमारा जो स्क्रीन का फ्लैप है और नीचे कीबोर्ड का जो बेस है उसके बीच में कहीं पे यहां पे क्वाड सेटअप इन्होंने हिडन दे दिया है। ये सपोर्ट करता है आपका डॉल्बी एटमॉस और स्पेशल ऑडियो भी, तो स्पीकर की क्वालिटी बहुत इमर्सिव और बहुत अल्टीमेट रहती है। आपको छोटा मोटा जो स्पीकर होता है ना 1500 वाला, वो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास ये वाला मैकबुक है तो। एक एग्जांपल आप सुनी लो। बाकी इसमें 1080p का वेबकैम रहेगा, वेबकैम माइक की क्वालिटी आपके स्क्रीन के सामने। तो यार गाइस अभी ये जो आप आवाज सुन रहे हो वो रिकॉर्ड हो रही है हमारे मैकबुक एयर वाले माइक्स और इसके फेस आईडी वाले कैमरा से। जैसे यहाँ पे देख सकते हो तो वीडियो आ रहे हो ना, तो यहाँ पे आईफोन कैमरा पे भी आप स्विच कर सकते हो। तो ये रहा मेरा आईफोन, बिना कुछ किए यहाँ पे आईफोन का कैमरा देख सकते हो स्विच हो गया है भाई, आप लोग देख ही रहे होगे, मतलब पूरा इंसेप्शन हो गया एकदम। और वापस से हमें अगर स्विच करना हो ना तो यहाँ पे आके फेस टाइम HD कैमरा पे स्विच कर देंगे। तो बैक टू आवर कैमरा, तो ये जो इकोसिस्टम है ना, मतलब पॉकेट से फ़ोन निकाला मैंने, इवन अनलॉक भी नहीं किया, डायरेक्टली इसका कैमरा यूज़ होने लगा, मतलब समझ ही सकते हो भाई एप्पल का इकोसिस्टम, मतलब Apple things, you know, हाँ। और एक चीज यहाँ पे आपको बताऊँ ना, हमारे MacBook Air M2 में 1080p का वेबकैम मिलता है और हमारे MacBook Pro M2 में 720p का वेबकैम मिलता है। मतलब हमारा MacBook Air M2 MacBook Pro M2 से वेबकैम के मामले में ऊपर रहेगा। तो कॉल्स वगैरह अपने मैकबुक से भी रिसीव कर सकते हो, अपने आईफोन से भी रिसीव कर सकते हो, वॉच से भी कर सकते हो, ये एप्पल का इकोसिस्टम वाला पूरा पार्ट है। और सबसे अच्छी चीज की जब आप एयरपॉड्स लगाए हो तो आपको बार बार दोनों डिवाइस में स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मैकबुक चला रहे हो तो मैकबुक पे ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा, आप आईफोन चला रहे हो आईफोन में कुछ कर रहे हो मैकबुक लॉक कर दिया आईफोन में ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। तो ये है एप्पल इकोसिस्टम की कुछ बातें नॉर्मल सी, जो कि छोटी छोटी हैं बट बहुत इंपैक्टफुल हैं।
बात तो सही है। बाकी अब ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर इंटरफेस की बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं मैक ओएस में। तो ये जो हमारे लैपटॉप ये आता है मैक ओएस वेंटूरा के साथ में, अब मैक ओएस वेंटूरा एक तरह से लेटेस्ट मैक है और इसके बाद मैक का नया अपडेट आने वाला है मैक ओएस सोनोमा। तो मैक ओएस में देखो क्या है ना कि विंडो से थोड़ा डिफरेंट तो है लेकिन चीजें सारी है इसमें, ऐसा नहीं कि हाँ कुछ चीजें अलग ही दे दी गई है। आप अगर अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान हो, मैकबुक खरीदने लायक हो गए तो हो गई ऑब्वियसली, इमोशनल डैमेज तो आपको ऐसी कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल नहीं फेस करोगे यार। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक विंडो यूजर था इससे पहले जब मैंने मैकबुक में शिफ्ट किया, और ऐसा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि भैया मैकबुक में शिफ्ट करने के बाद तो एकदम हवा हवाई हो गया, बाउंसर पड़ रही है, सर के ऊपर से सब जा रहा है। बस कुछ चीजें यहाँ पे अलग तरीके से दिखाई जाती है, कुछ चीजों का अलग ऑप्शन है, कुछ चीजों का अलग नाम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कट का बटन आपको इधर मिलेगा, इधर सॉफ्टवेयर वगैरह भी आप आराम से अलग से इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। बात रही आपके मतलब वहां वाले सॉफ्टवेयर की, उधर से जो लाते हो सॉफ्टवेयर तो वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। यस गाइस यस, सब चलता है इसमें सब। अगर सारे सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते तो भैया यहाँ पे 1 लाख का मैकबुक इंसान खरीदेगा और 1.5-2 लाख का सॉफ्टवेयर ही खरीदना पड़ जाएगा, है ना। और ऑब्वियसली हमने इसमें इंस्टॉल किया एडोब प्रीमियर प्रो और एडोब प्रीमियर प्रो मस्त चलता है, स्मूथ चलता है। एडोब प्रीमियर प्रो पे ही मैं एडिटिंग करता हूँ, फाइनल कट प्रो पे इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि फाइनल और फाइनल कट प्रो में नॉर्मली अगर सिंगल लाइन ऐसा थोड़ा बहुत एडिटिंग करना हो तो फाइनल कट प्रो कभी कभी यूज कर लेता हूँ, बट अडोब इज द फर्स्ट लव। एंड हाँ, इसके अलावा इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हो, ऐसा नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर इसमें नहीं चला सकते। मैंने देख सकते हो यहाँ पे इंस्टॉल किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड ऑल, सारे एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर सकते हो, एक्सेल एंड ऑल सारी चीजें यहाँ पे रन कर सकते हो। और जब एडोब प्रीमियर प्रो अच्छे से चल जा रहा है तो ऑब्वियसली आपका एडोब फोटोशॉप वगैरह, एडोब आफ्टर इफेक्ट भी बहुत आराम से इसमें आपका चल जाएगा। और बात कर लें ब्लेंडर एंड ऑल की तो ब्लेंडर भी आपका यहाँ पे बहुत अच्छे से चल जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं रिमाइंड करना चाहूँगा, जिस काम के लिए आप मैकबुक खरीद रहे हो ना, आप एक बार अपने सॉफ्टवेयर पे नजर डाल लेना कि वो मैक ओएस के साथ कंपैटिबल है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर तो होते ही हैं फेमस वाले जो भी हैं, बट फिर भी एक बार नजर डाल। और अभी गेमिंग का इंतजार कर रहे हो कि मैं गेमिंग के बारे में बात करूंगा मैकबुक में, तो देखो मैकबुक पे हमने गेमिंग करी, यू वांट टू सी रिजल्ट, देखो। तो यार देखो, पहली चीज तो मैकबुक गेमिंग के लिए नहीं है, अगर आपको गेमिंग करना है ना तो बिल्कुल भी मैकबुक मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बट यहाँ पे गेम चेंज होने वाला है ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी जो रिसेंट एप्पल का जो इवेंट हुआ था ना, वहाँ पे एप्पल ने अनाउंस किया था मैक ओएस सोनोमा और उन्होंने वहाँ पे गेम मोड दिया है, और गेम मोड के साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसे डेवलपर फीचर दिए हैं जिसकी वजह से उन्होंने डेवलपर को डायरेक्टली इन्वाइट किया है मैक ओएस पे गेम बनाने के लिए। अब देखो ये जो हमारा M2 वाला चिपसेट है ना, पावरफुल है, अच्छा खासा पावरफुल है, बट ये गेम के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है क्योंकि मैक ओएस पे गेम बने ही नहीं उतने अच्छे खासे, सिर्फ फोर्टनाइट वगैरह है जिसपे आपको 40-50 तक का FPS आ जाए वही बहुत है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि आगे के टाइम में मैक ओएस पे गेम्स भी आने वाली हैं। CS:GO जैसा गेम इसमें लैग कर जाता है तो सोचो, है ना, ऑप्टिमाइजेशन वाली दिक्कत है, बाकी परफॉर्मेंस तो है इसमें। वही कहते हैं कि हमारा लड़का पढ़ने में तो बहुत तेज है लेकिन पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता। चूतिया है तुम्हारा लड़का, चूतिया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इंपॉर्टेंट है। और जो लोग बात कर रहे हैं कि भैया विंडोज डाल के हम मैक ओएस पे गेम खेल सकते हैं, तो भाई क्यों, विंडोज खरीदो ना, क्या मतलब कटा हुआ सेब से इतना प्रेम है, मतलब वही चीज है ना, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ कुछ मेरी, ये कोई मेरे को समझ में नहीं आता लॉजिक भाई, तुम नहीं समझो। बट यहाँ पे एक चीज के बारे में बात करना चाहूंगा जो किसी ने नहीं बात की है, पूरे यूट्यूब पे मैंने जितने भी वीडियोस देखे किसी ने इस इशू को पॉइंट आउट नहीं किया जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो देखो भाई, अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है ना तो आपको कॉम्प्लिकेशन आने वाली है, अच्छी खासी कॉम्प्लिकेशन आने वाली है मैकबुक के साथ कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे आप केबल से भी कनेक्ट कराओगे ना तो आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि बहुत अच्छे से काम नहीं करता, बहुत ग्लिची वर्क करता है, और डायरेक्टली आप अपने एंड्रॉयड को अपने मैकबुक से नहीं कनेक्ट करा सकते। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है, आप मैकबुक खरीदने वाले हो, तो सोच समझ के लेना भाई, ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है जिस पे आपको उतना ध्यान देना चाहिए। इसके मेरे पास तो आईफोन है तो मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे लिए और अच्छी बात है। और अभी तक कोई सलूशन आ गया एंड्रॉइड और मैक के कनेक्शन के लिए तो प्लीज कमेंट करके मुझे भी बता देना। और ये लैपटॉप के प्राइस की बात करें तो ये लैपटॉप का प्राइस तो MRP वाइज अभी 1,15,000 ही बताया जा रहा है, लेकिन ये आपको अमेजोन वगैरह पे 1,06,000-1,07,000 में अब मिल जाएगा आफ्टर लॉन्च ऑफ मैकबुक एयर 15। एंड क्या आपको मैकबुक एयर 15 इंच लेना चाहिए या मैकबुक एयर 13 इंच लेना चाहिए, देखो पर्सनली तो मैं मैकबुक एयर 13 इंच लेके खुश हूं, ऐसा नहीं कि मैकबुक
15 इंच आ गया तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हूं भाई, मेरे को 15 इंच चाहिए था। नहीं, ये मेरा एक पोर्टेबल मशीन है, मेरे पास ऑलरेडी एक पीसी है। अगर बड़ी स्क्रीन में एडिटिंग करना है तो ऑलरेडी एक पीसी है, वहां पे मैं कर सकता हूं। ये मेरी एक पोर्टेबल मशीन है जो कि मैं चाहता हूं लाइट वेट, कंपैटिबल रहे, फ्लाइट वगैरह में भी आगे मैं रख सकूं और बड़ी बहुत ज्यादा ना रहे। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए तो ये बढ़िया है। अगर आपको भी ऐसी कोई मशीन चाहिए जो कंपैटिबल, पोर्टेबल, स्लीक रहे, तो आप भी 13 इंच वाला ले लो। बाकी अगर आपका एक ओनली वन डिवाइस रहने वाला है एडिटिंग एंड ऑल के लिए, तो आप ऑब्वियसली 15 इंच वाले के साथ जा सकते हो। तो यहाँ बिल्कुल लेना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और आप लोग बताना वीडियो कैसे लगी और रिव्यू कैसा लगा। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय एंड सी यू। भाई मैकबुक खरीदने के बाद स्टारबक्स में जाने के पैसे नहीं बचे, इसलिए मैकडी में आके बैठे हैं। वैसे भी मैकबुक मैकडी राइम करता है, स्टारबक्स मैकबुक कहाँ राइम करता है ना, मैकडी सी।